वेलकम गाइस आईटीएल पर वीडियो में रियलमी का C31। इसमें जो है अगर आपको नेटवर्किंग की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है, आपके सिम काम नहीं कर रही और या फिर आपको जो है वाईफाई कनेक्ट में दिक्कत आ रही है, तो आप कैसे शॉर्ट आउट करेंगे मैं बता देता हूँ। ये देखें, ये रियलमी का C31 है और ये जो है हमारा एंड्रॉयड सेटअप फोर स्टॉप हो गया है। तो इसको जो है यहाँ पे देखो, बार बार ये एरर आ रहा है, ये सारा एरर आ रहा है, अनेबल टू गूगल प्ले सर्विस, ये बार बार ये मैसेज दे रहा है। तो इस चीज़ को आप कैसे शॉर्ट आउट करेंगे या फिर अपने वाईफाई का प्रॉब्लम कैसे शॉर्ट आउट करेंगे मैं बता देता हूँ। तो हम सबसे पहले फ़ोन की सेटिंग में चलते हैं। यहाँ पे हम आ गए, नीचे आएंगे हम, ऊपर ही आना, सॉरी। तो यहाँ पे हम नेटवर्क में जाएंगे, ठीक है, नेटवर्क के अंदर तो कुछ दिक्कत नहीं है। हम जाना नीचे, नीचे सिस्टम में, यहाँ पे रीसेट का ऑप्शन होगा। यहाँ पे आपका देखो वाईफाई रीसेट, ब्लूटूथ रीसेट, सारे ऑप्शन आएंगे, ठीक है, इसको कर देना। इसको करने के बाद भी अगर आपके दिक्कत नहीं आ रही और ऐप ओपन होने में प्रॉब्लम कर रही है, तो ये ऐप सारे आपको रीसेट ऑप्शन दे देगा, ठीक है। उसके बाद भी अगर आपको दिक्कत आ रही है, तो आप इसको करने के बाद इसको जो है रिलीज कर दें, ये आपका सारा जो है सेटअप फिर से कंप्लीट हो जाएगा, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस तरह से गाइस आप अपने सारे ऐप परफॉर्मेंस को ओके कर सकते हैं, ठीक है, ज़्यादा दिक्कत नहीं लगेगी। बस इसमें जो है आपका अगर फैक्ट्री रीसेट मारेंगे, इसमें डाटा लॉस्ट होने का खतरा ज़्यादा रहता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपका डाटा जो है वो सारा लॉस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमने कर दिया है, फटे छीटे कपड़े पहना कर करूँगा, वो बाल कर लेना, बहुत ही बुरा बन जाए, बहुत ही बुरा करी रेमो बन जाए, इसके बाद भी सामान बन जाए। तो गाइस अब जो है आपके सारे ऐप जो है प्रॉपर काम करेंगे, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।